मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में प्रचार का दौर चरम पर पहुंच गया है। वहीं शब्द बाण भी जमकर चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने सागर की सुर्खी विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी गोविंद राजपूत के लिए प्रचार किया और एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया। आपको बता दें कि गोविंद सिंह मंच पर भाषण देते वक्त भावुक हो गए। इस अवसर पर शिवराज कैबिनेट के मंत्री गोपाल भार्गव व भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। तीखी बहनों का अपमान मत करना कमलनाथ, नहीं मध्य प्रदेश की जनता से बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। नंगे भूखे क्या दे दिया तुमने? हम नंगे भूखे नहीं, हम सेठ, तुम हो गए सेठ कमलनाथ। हम साधारण परिवार से आते हैं, हम पिछड़े परिवार से आते हैं। क्या हम पिछड़े परिवार से आए इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनने का हक नहीं है? क्या राजनीति में केवल सेठ और साहूकार आएंगे? मेरे बहनों और भाइयों, ये जनता की सेवा का अर्थ नहीं समझते, मतलब नहीं समझते। और सेठ कमलनाथ ने क्या किया? कर्जा माफी के मैं कसम खाता हूं कि जीवन में कोई गलती नहीं करूंगा। अपने सेवकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे सम्मान के साथ पेश आऊंगा। कभी भी हो लोगों से न केवल उनके विकास कार्य बल्कि उनके व्यक्तिगत काम भी जो बन सकेगा वो ये गोविंद सिंह आपके सामने आपके पास आकर कर दिखाएगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। साथियों, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्दी जाना है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, मेरे आंखों में आंसू है खुशी के, कि मुझे उस आदमी के साथ काम करने का अवसर को इतने बहुमत से जिताए। गोपाल भार्गव को जितने वोट मिलते हैं, यदि गोविंद भाई को उससे भी ज्यादा वोट मिले तो मैं मान के चलूंगा कि वास्तव में आप सभी लोग बहुत जानदार हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। उद्योगपति जिनका लेना देना सिर्फ उद्योगपतियों तक है, गांव से, गरीब से, किसान से कोई जिनका लेना देना नहीं है, एक तरफ कमलनाथ जी है, एक तरफ ऐसे माननीय स्वराज जी। अगर किसानों के कोई संकट आ जाए, अगर किसान के भगवान कभी प्राकृतिक आपदा ना आए, और कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सबसे पहले किसान के खेत में खड़े होने वाले कोई मुख्यमंत्री है तो वो माननीय शिवराज सिंह चौहान है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।